तो जैन साहब कली की तरह आज भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और आज भी वो थोड़ा बिजी है, उसके बाद से कल से शायद वो साक्षात दर्शन देना शुरू करेंगे, लेकिन हमें इस बात इसमें कोई एतराज नहीं है जैन साहब फोन लाइन पर रहें तब भी, क्योंकि फोन लाइन पर रहते रहते उनकी पिक्स कमाल करती हुई दिख रही। तो जैन साहब बताइए आज कौन सा स्टॉक है आपके आपके रडार पर? कल के MTR ने लगभग लगभग पूरा 20% का रिटर्न दिया है एक ही दिन में। यस अनिल जी, थैंक यू सो मच मुझे वापस से छोटी सी लिबर्टी यूज करने देने के लिए कि फोन पे, क्योंकि मैं जहां हूं वहां नेटवर्क एक्चुअली में बहुत वीक है, सो मैंने चांस नहीं लिया वापस से आज। और फोन का टूट क्या तो जबरदस्त है, कल का स्टॉक कल ही टारगेट अचीव कर गया है MTR, तो मुझे तो मजा आ गया। तो मुझे लगता है कि आज का स्टॉक भी वैसा ही कुछ अगर तोड़फोड़ कर दे, बट आज का जो स्टॉक है वो बेहतरीन स्टॉक है और वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। कोई अंबुजा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है और गुजरात की कंपनी और फैंटास्टिक कंपनी है। मुझे सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि ये एग्रो प्रोसेसिंग में और मेज प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और मैं इस स्टॉक को बहुत सालों से देख रहा हूँ और मैं जब ये 2 digits में थे 25-30 रुपए के लेवल से मैं देखते आ रहा हूँ और मैं कई सालों तक इसको रेकमेंड नहीं किया। रीजन बीइंग कि एग्रो कमोडिटीज है, थोड़ा वॉलेटाइल होते हैं, बट ओवरऑल इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद और ऐसे कंसिस्टेंटली अगर कोई कमोडिटी की कंपनी अगर ग्रोथ देती है तो सर्टेनली प्रोमोटर्स में बहुत जबरदस्त दमखम होगा और वो कहीं ना कहीं ये जरूर से हेजिंग और इनके ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि कमोडिटीज को मैं बहुत नजदीकी से देखता हूँ, मेज और ये सब को मैं देखते आ रहा हूँ। सो सोया और फीड्स और ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त कर रही है और अभी वैसे ही कमोडिटी का जबरदस्त साइकिल चल रहा है, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और अब मैं इस कंपनी की अगर मैं कुछ अच्छी बातें बताऊं तो देखिए ये कंपनी 1991 से कार्यरत है और उसमें देखिए जो ये अभी मिस्टर मनीष जी गुप्ता हैं 49 इयर्स के हैं, ही इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल और उनके अंडर में ये कंपनी ने जबरदस्त अचीवमेंट्स किए और बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है। और ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 27-28 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 22-23, ये सब कमोडिटी स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। प्रॉफिट की कैगर 23-24% 3 साल की, प्रॉफिट की 5 साल की कैगर 28-30% और उसके ऊपर भी रेटिंग्स को मैं देख रहा था तो रेटिंग्स की भी जबरदस्त अपग्रेड हुई है। फिर MIT जैसे एक नामचीन FII इन्वेस्टर ने इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने 1.52% इक्विटी ली है दिसंबर क्वार्टर में और दिसंबर और मार्च के क्वार्टर से बहुत ही तोड़फोड़ निकले रिजल्ट्स। आप देखिए दिसंबर 20 का जो रिजल्ट है 110 करोड़ का पैट और मार्च 2021 का जो पैट है वो 118 करोड़ का पैट और पिछले साल मार्च 2020 में 54 करोड़ का पैट था। सो 338 करोड़ इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने कमाया है जो कि जनरली 150 करोड़ 200 करोड़ के लेवल्स पे रहती है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए और भी अगर नीचे आए तो घबराना नहीं है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से 230 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, 220 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। जैन साहब ये SIP स्टॉक्स की जो सीरीज हमने शुरू की थी 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल से हमने शुरू की थी और 9 अप्रैल को ये पहला स्टॉक था हमारा SIP सीरीज में 136 रुपए पर जहां पर हमने खरीदारी करने की राय दी। उसके बाद VRS में आपको याद होगा वीरेंद्र बंसल जी ने भी खरीदारी करने की राय दी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी और तगड़ी परफॉर्मेंस आई है। कमोडिटी साइकिल जो पूरी दुनिया भर में मजबूत होता दिख रहा है उसका फायदा मिला और स्टॉक आज फिर से 7% तेजी दिखा रहा है आपकी रिकमेंडेशन के बाद। कल जिस तरह से MTR का प्रदर्शन रहा, आज जिस तरह से गुजरात अंबुजा का प्रदर्शन रहा, जैन साहब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ना परमानेंटली आपको लाइव के बजाय फोन पे कर दें, फोन पर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आ रही है। सवाल तो बड़ा मासूम सा है अनिल जी, मगर मुझे बहुत मजा आता है, मैं अगर रूबरू रहता हूँ लाइव रहता हूँ और मेरा चेहरा दिखा पाता हूँ और आपने मुझे इंसिस्ट किया था कि नहीं मैं आपको लाइव देंगे, मैंने शुरुआत में जरूर से थोड़ा बहुत टीम से बात की थी, बोले नहीं, बट ये ऐसे ही आना और शायद यही रीजन है कि आज जैन साहब के जैन सीरीज को आपने, क्योंकि ये आपका विजन है, इस चीज को मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाया था। और जो आज एक बहुत बढ़िया बात एक एनलिस्ट ने कही राकेश जी ने कि आप उड़ते पर के भी, वो क्या बोलते हैं, उड़ते चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं और सारे एनलिस्ट के दिमाग में क्या चलता है आपको सब समझ में आता है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं तो बिल्कुल आऊं और कल से पूरा एकदम चुस्त दुरुस्त मैं कल एकदम बैठा रहूंगा और कल फ्राइडे को मेरे 3-3 शोज होते हैं, मतलब दोपहर वाला शो भी मैंने कल के लिए पोस्टपोन करवाया है, तो मैं तो पूरा चुस्त दुरुस्त रहूंगा सर कल। डेफिनेटली, और जो फर्क रेडियो और टीवी में है
वही फोन पर और साक्षात दर्शन करने में तो जाहिर सी बात है आप दिखेंगे और दिखते हुए कहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हमें और हमारे सारे दर्शकों को लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल से आपका धन्यवाद जैन साहब, आप पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी है, फैमिली फंक्शन है, उसके बावजूद आप वक्त वक्त पर समय निकाल रहे हैं, ये बड़ी चीज है। तो ये है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जैन साहब का जेम्स, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक 220 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय, शानदार पिक आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और पिक्स आपके लिए आने के लिए तैयार है।